खास थी कि मैं एक बार आपको यहाँ लाऊंगा। जिंदा नहीं लाए पर बनने पर ज्यादातर मैं जानता हूँ 20,000 से ज्यादा लोग खड़े हुए, महिलाएं भी कई हजार तो महिलाएं। मैंने कभी किसी के दुख में इतने लोग जाते हैं देखे, मेरा तो बहुत बड़ा तजुर्बा है। या तो मैंने निमावर देखे जितने लोग जाते हैं दुख में, या फिर यहाँ देखा सबके में। आदमी आता है, पैदा होता है, मर जाता है, किसी भी तरह मैंने कोई नहीं जाता है, लेकिन उसने उसको लेके लोगों में प्यार, उसके साथ अन्याय है और उस अन्याय को समाज स्वीकार नहीं करता। आप यहाँ रहते हैं गांव में, यहाँ भी आ जाएंगे वो लोग, लेकिन वो इतने नहीं आए क्योंकि मैं उनको रोक गया। सब लोग उनसे प्रार्थना कर गया कि आप वो यहाँ आ जाएंगे तो कुछ और भी परिस्थिति हो सकती है, गुस्से में है। लेकिन बस मैं तो आपको एक लाइन में कहने के लिए आया हूँ कि आप अकेले नहीं, जितना यहाँ प्रशासन है उसके 10 गुना तो लोग इस जिले के आपसे वो करते हैं। 24 घंटे आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। आप आवाज़ लगा के देखो, मैं आपको अभी मौका देता हूँ, आपको पूछ करके देखो, अभी कहो कि आ जाओ और आप 10 मिनट में देखना अगर इस गांव में पैर रखने की जगह हो जाए, इस गांव में नहीं तो रस्ते पैर रखने की जगह हो जाए। इतने लोग हैं, कहीं हजारों तो गाड़ियाँ तो किस लिए? क्योंकि वो उसके साथ अन्याय है और ये अधिकार किसी को नहीं। भारतीय संविधान ने हमें बराबर का सम्मान, सुरक्षा अधिकार दिए, स्वाभिमान से देने का जो है ना अधिकार दिया, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। वो चला गया है, लेकिन जिन्होंने ये अन्याय किया पता तो लगा कि उसका दो ही लोग थे और किसी और कुछ और लोगों का नाम दिया इन्वेस्टिगेशन करें और उससे पता लगे डिमांड वगैरह। डिमांड मेन मौके पर हमने क्या क्या फास्ट और देखेंगे जितने भी आदिवासी लोग हैं वो उनके यहाँ पे आज भी बंधुआ मजदूर है। तो ये एक पाली जिला एक अलग एग्जाम्पल है और ये बाहर आनी बात बहुत जरूरी है। गलती हमारी है कि हमारे पूर्वजों ने व्यवहारिकता में जातिवाद को एक्सेप्ट कर चुके हैं। समस्या ये है, ये बात बाहर आनी चाहिए। यहाँ पे क्या इनकी मेजोरिटी है ना, थोड़ा ये थोड़ा यहाँ के लोग भी अब खुल के आने रहे। ये खुल के आया, कितने कितने मेजोरिटी है। मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, हमारी नहीं है लड़ाई उनसे। हमारी लड़ाई तो सोच से है ही नहीं, वरना हम जानते कितनी मेजोरिटी है और कितने लोग हैं हम नहीं जानते क्या। और राजस्थान की जातिवार जनगणना करा लो, पता लग जाएगा कि हम कितने हैं। जितनी उनकी इतने तो मकान है हमारे, जितनी उनकी सारी जनसंख्या होगी और जितने वो ताकतवर हैं इससे ज्यादा तो हमारे लोग जो है ना बीमारियों से मर जाते हैं एक साल में। छोड़ो यार, इसमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन ये सामंती व्यवस्था कटेगी। आज तो मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। पाली के लोग हिम्मत जुटाएं, मौत तो एक दिन आनी है तो फिर वो लड़ने की हिम्मत जुटाएं।
क्या गुलाम 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 होता है, गुलाम का कोई धर्म नहीं होता है, ना गुलाम कोई जात होती है, गुलाम की एक जात हो गुलामी। वो काटना चाहता तो तुम लोग नहीं खड़े हो पाए उसके साथ, समझ हो। क्रांति कहीं बैलों से जन्म नहीं लेती, अन्याय से जन्म लेती। अगर उसके जैसे 10 खड़े हो जाते तो पता लग जाता सब लोगों को, क्या कब तक मरेंगे अकेले अकेले, समझ रहे हो। जितना आप बैठे रहेंगे उतना ही वो लोग वहां सकते हैं, इसलिए आप बात करो, जवाब दो, ना कर दो कि हम नहीं देते। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नहीं देते, हम पे ली जाएगी, हम ले लेंगे।